नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त थेरापिस्ट तुलसी। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है उसमें पूरी जगह पर ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, ऑक्सीजन और फुल बॉडी की एनर्जी किस प्रकार से कुछ ही सेकंड में, मतलब 20 से 30 सेकंड में हम हमारे शरीर में फुल ऑक्सीजन और बॉडी एनर्जी ला सकते हैं। तो इसके लिए एक योगिक क्रिया है जिसे करने से सिर्फ 30 सेकंड में ही आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फुल ऑक्सीजन और एनर्जी आ चुकी है। और ये एक बार जरूर करें, जिससे आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी आई है। तो ये एक सरल योगिक क्रिया और प्राणायाम के थ्रू करेंगे। प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है और उसको योग विज्ञान में अलग अलग करने के तरीके हैं, ऐसे करके भी करते हैं, सीधे ज्ञान मुद्रा में बैठ के भी करते हैं, लेकिन ये क्विक एनर्जी, क्विक ऑक्सीजन का फ्लो, जो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन पूरी तरीके से आने के लिए थोड़ा सा चेंज करके किया हुआ है, और ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। इस अनुभव से मैं ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग खुद करके और अनुभव करें। इसमें एक बात है कि जो भी गंभीर बीमारी के शिकार लोग हैं वो ये क्रिया ना करें। जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, जिनको माइग्रेन हेड संबंधी कोई बीमारी है, जिनको फेफड़े संबंधी कोई बीमारी है, ये लोग इस क्रिया को ना करें। और यदि वो करते हैं तो बहुत धीरे धीरे करें, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्रिया को करने के लिए ऐसे सीधे खड़े हो जाएं और इस प्रकार से हाथ रखें और इनहेलेशन करते हुए ऐसे जाना है और एक्सहेलेशन करते हुए ऐसे आना है। इतनी सी क्रिया है, इसको हम तीन चरण में करेंगे। पहला, धीरे धीरे, दूसरा थोड़ी तेजी से, और तीसरा पूरी तेजी से। और ये आप करके खुद अनुभव कर सकते हैं कि 30 सेकंड में आपके शरीर में पूरी बॉडी एनर्जी और ऑक्सीजन एकदम फ्लो करने लगेगा, मात्र 30 सेकंड। और जो आलसी लोग हैं, जो आलस करते हैं, जिनको काम करने की इच्छा नहीं, उठ के किधर ही जाने की इच्छा नहीं, जो आलसी टाइप के लोग हैं, उनके लिए तो यह वरदान है, वरदान। तो इसको एक बार जरूर ट्राई करें और आप खुद अनुभव करें सिर्फ 30 सेकंड में। तो पहले करेंगे धीरे से, ये इस प्रकार से करना है, धीरे धीरे। ज्यादा इसको ज्यादा ही करने से चक्कर आने लगते हैं, तो वो ध्यान रखें। लेकिन बॉडी एनर्जी और ऑक्सीजन शरीर में, शरीर के हर सेल के अंदर प्रवाह होने लगेगा। 30 सेकंड का एक्सपीरियंस है, मात्र 30 सेकंड का। 30 सेकंड करके आप खुद अनुभव करें। अब दूसरा थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो गंभीर बीमारी के शिकार लोग हैं वो ये ना करें, और यदि करते हैं तो बड़े धीरे से,
बहुत धीरे धीरे करें। अब तीसरा चरण, तो इस प्रकार से करना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है और इसमें ये जो किया है इससे चेस्ट ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाती है और ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर में पूरी जगह में होने लगता है और शरीर में शक्ति स्फूर्ति एकदम 10-15 सेकंड के अंदर में स्फूर्ति आ जाएगी। मतलब शरीर पूरा प्रभाव होने लगेगी, शक्ति पूरी प्रभाव होने लगेगी। आप करके अपना अनुभव करें और आपका जो भी अनुभव आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको क्या अनुभव आया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।